ये मेरी समधन है जी, आप सच्ची छोड़िए। वालेकुम अस्सलाम हीरो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुनीर, एक सैड न्यूज भी थी कि अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे घर में आज है जी दावत, कमेटी की दावत। मैं कमेटी वाली आंटी भी मशहूर हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों से कमेटियाँ डाल रही हूँ। तो हमारा क्या सिस्टम होता है कमेटी का, ये मैं आपको आज बताती हूँ। बहुत से प्यारे प्यारे लोग आ रहे हैं, हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं वो भी, और हमारे कुछ फैमिली हया के ससुराल वाले आ रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि मुझे टाइम कम मिलता है कि मैं लोगों को बुला सकूं घर पे, तैयारी कर सकूं, क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं होती। आज संडे है और आज भी मैं शूट करके अभी आई हूं और आके बस तैयारी में लग गई हूं। अभी मुझे बनाने हैं गुड़ वाले चावल, उसकी रेसिपी तो आपने देख ही ली है, वैसे ही बनाऊँगी बिल्कुल। तो आपसे मुलाकात कराऊँगी अपने घर में बहुत प्यारे प्यारे लोगों से। स्टे ट्यून्ड। चेंज है काफी, है ना? हाँ, थोड़ी डिफरेंट है उसका फेस, लेकिन अभी तो न्यू बॉर्न का पता भी नहीं चलता। तैयारी हो गई सारी? नहीं, बस अभी 10 मिनट में लोग आना शुरू हो जाएंगे। वह आज भी आ रहा है। इधर मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे आई लव फूड। मुनीब नहीं आ रहा, वो लाहौर में है। फहद का मैनेजर आएगा और डॉक्टर नदीम, असलम अंकल, हया के सास ससुर। हम लोग उस दिन गए असलम भाई लोगों के घर। हाँ, वो तो टीवी के आगे गद्दा लगा के हाँ बैठे हुए थे। हाँ, मैंने उनकी सेटिंग चेंज करा। कैसा वेलकम है तो अन्य लोगों पुराने की आए। सॉरी, तैयारी ना आए हो अच्छी का। अस्सलाम मुझे हील्स पहन के मिलना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इनको ईमान ऊपर ले जाओ। देखिए जी, माशाल्लाह आधा भर गया, आधा बाकी है। अब मैं आपका जरा तारुफ कराऊं। सबसे पहले लाइबा। लाइबा है ये हमारी बहुत प्यारी सी फ्रेंड डॉक्टर ज़ेव, इनकी बेटी, और डॉक्टर नदीम, दोनों मियां बीवी टॉप के डॉक्टर हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। जी, जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू कर रहे हैं डॉक्टर ज़ेब, और ये हैं जी हमारी गजाला भाभी और ताहिर भाई। इतना माशाल्लाह इन दोनों से अब मिलते हैं कि बच्चे कहते हैं ताहिर आंटी। और ये मेरी भाभी हैं सबाहत, मुझसे बड़े भाई हैं उनकी वाइफ, और ये हमारी हम नाम भाभी हैं शगुफ्ता भाभी, असलम भाई, आपने अक्सर वीडियोस में नाम सुना होगा। ये भी हमारी भाभी हैं मिसेज इलियास, हमारी कमेटी मेंबर हैं, और ये इनकी बेटी माशाल्लाह। जेंट्स से आपकी मुलाकात हम कराएंगे, ज़रा सा खाना खुले, उसके बाद सब एक साथ होंगे तो उनसे भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी हया के सास ससुर भी आ गए। ये मेरी समधन है जी, हया की मामा सास। वैसे
ऐसे आप लोग आप मतलब बस कह के आएंगे आज वैसे सर्दी कम है कल काफी कम है लोएस्ट टेंपरेचर सर्दी कम हो रही है बकरी के बाल की फील होती है पता नहीं क्यों और बहुत बस सासू माँ बच्चियाँ भी रेडी हैं खाना भी रेडी है ये मेरी नेबर बना के लाई है तलत जो भी आएंगी उन्हें मम्मी में जाना था ये दाल और लौकी पुलाव और कुन्ना और नान और साथ में गुड़ वाले चावल हैं जो मैंने बनाए हैं ये है जी गुड़ वाले चावल जो मैंने बनाए हैं क्या देख रहे हो वो दे दो हैं हेलो हाउ आर यू हाय आई एम मिस्टर हबलाशारी बलोच तुम भी कुछ बोल दो क्या बोलो नहीं क्या कुछ नहीं बोलो ये जी मेरी भाभी की अम्मी ने जो कि मेरी कज़न भी हैं मामू की बेटी उनसे मैंने पंजाब में फरमाइश की थी कि सुहाजना की जड़ों का अचार तो ये उन्होंने खुद बना के मुझे गुजरात से भेजा है अस्सलाम वालेकुम आपका तारुफ करा दूं दिस इज मिस्टर दानियाल ये हैं साहबजादे क्या हाल है इमरान साहबजादे असलम भाई के दिस इज आप जानते हैं ये हया के फादर इन लॉ हैं भाई सलाम करें डॉक्टर साहब और ये इमरान है हमारे बीसी के मेंबर ये डॉक्टर नदीम है इनकी वाइफ से मैंने आपको मिलवाया है और ये है वालेकुम अस्सलाम दो जिस्म एक जान गजाला भाभी के हस्बैंड ताहिर भाई एंड दिस इज माय ब्रदर इम्तियाज तो खाना रेडी है आप लोग आइए उसने बिली बिठाई कितने भाईजान माई के अच्छा वो नहीं आया वो मुनीब नहीं मुनीब लाहौर में है वो कह रहे हैं मुझे वीडियो कॉल पे ले लें अच्छा और वहाज शूट में बिजी है फहद के मैनेजर ने आना था वो भी शायद नहीं आ रहा बिकॉज मौला जट यया का नाम रखा है मौला जट असलम भाई ने इमान यू विल सर्व द ड्रिंक्स यू एंड नबीहा बस बिल्कुल सही ठंडी है ये मेरी समधन लेके आई है हमेशा हमारी कंटिन्यूटी है वो जब आती है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है जहाँ से ये रसम आप सच्ची छोड़िए नहीं कह रहे हमेशा शौक से खाना हाँ। से ज़ाफ़रान का टच होता है हाँ। How are you? Nice. Hello, Ji. We are enjoying our dinner. रसमलाई है, खीर है. रसमलाई है, खीर है. वाले चावल भी हैं इसमें स्पेशल. आज के होस्ट हैं इंजाज खान. आंधी का जिक्र कर रहे हैं ना कि आगा खान देव चिनाल लगवाया. मैं नहीं गया असलम ने क्या थी मुझे. एक ही. अन्ना ने भी तो वो मुबारकबाद. अन्ना भी इंडिया बहुत आ रही है ना. जिया भाई अल्लाह इतने करीब से अभी मिलवा नहीं इधर करीब नहीं आ रहा अच्छा अच्छा हाँ आए ना मीठा ने आ जाओ भाभी रसमलाई खीर और गुड़ वाले चावल मैं तो खाई क्या गुड़वाले चावल नहीं थोड़ा सा दूध खाया ना नहीं ना पर्चियां बन रही हैं अब ड्रॉ होगा और लिस्ट बनेगी वालेकुम अस्सलाम हीरो जरा साइड पे आ जाओ डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो आ जाए जी ड्रॉ के लिए ये इधर ले आओ उधर आ जाए लेडीज हाँ
नहीं उधर जगह, हाँ जगह है ना उधर, सब बैठे हैं। बस एक मेंबर का वेट कर रहे हैं, उसके बाद से हेलो टू माय यूट्यूबर्स। हेलो, कुछ और भी बोल दो। हेलो यूट्यूबर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए आइए जल्दी आगे। अच्छा जी, अपने अपने नाम की पर्ची उठाए सब भाईजान, और उसको आप लोगों ने ऐसे फोल्ड करना है, ये ऐसे, हाँ जी चौथा देखना है ए, और इस तरह बस ये फोल्ड करना है, ऐसे कर दिया आपने, कर दिया। और ये नहीं, मैंने आपको सैंपल खाली है। अच्छा। चलें ले अपने अपने इमरान, ये आप फोल्ड करें इस तरह से, सेम फोल्ड करना, पहले इसको यूं करें, फिर यूं, फिर यूं, और जेब, ये अपनी पर्ची आप फोन करें, ये डॉक्टर अनिया शुक्ला, ये आपके, मुझे लगता है कि मनी पर्ट भी जल्दी निकलेगा। हाँ, क्योंकि पिछली दफा लेट निकली थी ना। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह, लुकिंग नाइस। इतनी दफा मेरी कभी मेरी 15वीं, कभी मेरी 16वीं, आपके जल्दी निकलेगी। तो कहाँ हो? लाहौर। अच्छा लाहौर। मैं दे दूंगा। अच्छा जी, मस्त भी साउंड लगाना। आइए सब इधर। कौन निकालेगा? मैं निकालूं, मैं निकालूं, मैं निकालूं। नहीं, चुप करो। सबसे छोटी है। तो चले जी। अब सबसे पहले तो आप भाई से चले जी निकालें। पहले हिलाएं। नहीं ये ये नहीं जी, एक उठाएं। यस, बिस्मिल्लाह। ठीक है, कोई है ही नहीं। दिस इज योर राइट। सबसे पहले बिस्मिल्लाह। मैंने पर मैंने निकाली है, तो मैंने बोला था। चले जी, दिस इज सेकंड, अगली निकाले। और भी मैं निकालूं? कोई और निकाले, नदीम भाई आप निकाले। आप निकाले। और कोई परदेसी है? परदेसी और कौन है? परदेसी है, फाद है। अच्छा चले, ये ले भी फाद की निकाले। आपने अपनी निकाली? नहीं नहीं। ओ चलें जी, अब निकालने चलें आप। मोहसिन और जुनेद, ये इसको 1 2 3 रखते जाओ। मोहसिन कौन? ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज ही है। मुनीब का भाई। मुनीब का भाई। बाकी सबकी निकलती है, मैं जानू। मैं फोन काट रहा हूँ। पहली और तीसरी हो गई ना? सही है, मेरी हो गई, मैं निकल लूँ, मैं निकल लूँ। चलो चलो, ओके। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा चौथी। ओके। इन सब बड़े लोगों की पहले निकाले। सही बात है, सही बात है। जिनको जरूरत ही नहीं है। ये ओमा ऑर्डर वाइज ही है। हाँ, ऑर्डर वाइज। नहीं, सबसे पहला मैं बेटे निकाल रहा हूँ। हम जो हैं, हम तो लाभ। अच्छा, मैं निकाल दिया। चल निकालो। अब तो किसी मनी को हमेशा लाभ। खाली पेपर निकले हैं, मार निकाल दिए। डैडी, अस्सलाम अंकल और याह्या। सीरियसली? कांग्रेचुलेशंस। ये लो, इसके नीचे रखो। अच्छा, अब तो किसी को जानना भी नहीं है।
चलो अब कौन निकालेगा? अब कौन निकालेगा? भाभी कितने है टोटल? 10 तलत वहाज वहाज और इमरान इमरान एट दो रहेगी अब वो आंटी से निकल अब तो एक ही रहेगी नहीं दो अंजा कहाँ हुई दो रहेगी अब इनकी होगी मेरा ख्याल है इन्होंने अपनी खुद ही निकाली आखिरी हाँ अब अंजा किया डॉक्टर अनियांश गुप्ता यस हाय हाय नाइन निकली है उनको सब बोलो मुबारक हो कमेटी का बड़ा ये सैड पार्ट होता है लेकिन ये है कि किसी की तो निकलनी है कुछ लोग तो प्रेफर करते हैं कि एंड में निकलें शुरू में देनी बड़ी मुश्किल लगती है निकलने के बाद तो ऐसे ही लेते हैं नींद नू जिन्नी पे जानी थी पहले निकल क्यों नहीं लगता बड़ी दुआओं मंगा जी तो ये थी हमारी कमेटी की दावत दावत क्या कमेटी तो एक बहाना है वो तो वैसे भी जमा हो जाती है लेकिन थोड़ा सा एक फ़न का और मिलने मिलाने का गपशप करने का मौका मिल जाता है सो इस तरह से हम सब मिल बैठते हैं वरना तो सब इतने बिज़ी होते हैं टाइम नहीं निकलता जैसे आज संडे में भी मैं शूट पे गई थी वापस आके फिर मैं एक्साइटेड थी बल्कि एक एडेड बेनिफिट भी हो गया शाम में याया की भांजियाँ आ गईं और भांजे उनकी वाइफ हुमा सबसे आपका तारुफ तो हो ही चुका था वो लोग शाम में आए तो साथ साथ मेरी कुकिंग चल रही थी साथ साथ उनके साथ बैठ के चाय पी रहे थे तो बस एक सैड न्यूज़ भी थी कि 10 दिन पहले याया की सिस्टर की डेथ होगी जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी तो उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा और मुझसे बहुत प्यार करती थी सारी बहनें उनकी लेकिन आपा चूँकि रहीं ज़्यादा टाइम उनकी तो जल्दी बाकी बहनों की डेथ हो गई बीमारी की वजह से मुन्नो आपा जो अफू की अम्मी थी उनकी तो अचानक ही डेथ हो गई उनकी बड़ी बहन की डेथ के बाद तो खुशी दी आपा की अभी डेथ हुई है 10-12 दिन पहले तो बस यही एक था आज वो लोग निकले घर से बाहर तो उनका ज़िक्र कर रहे थे हम तो बहरहाल आप उन्हें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा एंड अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़